भोजशाला में एएसआई सर्वे का 56वां दिन, मजदूरों की संख्या बढ़ी, मिट्टी हटाने का होगा काम। हिंदू पक्ष का दावा, भगवान कृष्ण की आकृति दिखाई दी। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन धार की भोजशाला में सर्वेक्षण चल रहा है। आज सर्वे का 56वां दिन है। सुबह के समय एएसआई की टीम ने सर्वे के तहत काम शुरू कर दिया है। गुरुवार को एएसआई के 12 अधिकारी, कर्मचारी व 41 मजदूरों सहित पक्षकारों की मौजूदगी में काम किया जा रहा है, जो अब पूरे दिन चलेगा। पिछले 4 दिनों से एएसआई की टीम में सदस्यों की संख्या कम होने से सर्वे का काम धीमी गति से ही चल रहा है, पर आज मजदूरों की संख्या बढ़ा दी गई है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज मिट्टी हटाने का काम तेज गति से होगा। एक दिन पहले हुए सर्वे को लेकर जानकारी देते हुए हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने बताया कि 55वें दिन भोजशाला के बाहर सर्वे का काम किया गया। दावा किया गया कि आज फिर से खुदाई के दौरान पिछले हिस्से में खम्भों के 2 अवशेष मिले हैं। साथ ही बड़ा दावा करते हुए कहा गया कि भोजशाला के अंदर एक खम्भे पर क्लीनिंग और ब्रशिंग करने के बाद हिंदू देवी देवताओं की आकृति स्पष्ट दिखने लगी, जिसमें भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान परशुराम, भोलेनाथ की आकृति है, जो एक ही खम्भे पर हैं और सभी आकृतियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।